जन्माष्टमी का त्योहार हो और हम पेड़े ना बनाए, ऐसा हो सकता है कभी? तो चलिए आज बनाते हैं एकदम आसान और बहुत ही स्वादिष्ट केसरिया पेड़े। तो देख लेते हैं आज की ये रेसिपी आपके लिए। ये पेड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बाउल सेट किया है। उसी बाउल से 3 बाउल भर के नारियल का बुरादा, 1 बाउल भर के चीनी, 1.25 बाउल भर के घर की मलाई, 1/2 बाउल दूध और उसमें चुटकी भर केसर डाल दिया है और केसर को अच्छे से भिगोने रख दिया है। और मैंने यहाँ पे 12 से 15 जितने काजू भी ले लिए हैं। केसर को थोड़े से गर्म दूध में भिगोया है ताकि उसका कलर अच्छे से बैठ जाए। अब एक मिक्सी के जार में हम चीनी फिर काजू को डाल के उसे थोड़ा सा पीस लेंगे। अब हमने जो नारियल का बुरादा लिया है 3 बाउल भर के, इसको मिक्सर में ऐड करेंगे और सारे मिक्सर को अच्छे से पीस लेंगे। ये पेड़े के लिए मिक्सर पीस के अच्छे से तैयार है, इसको मैंने बारीक पीसा है। चीनी के साथ पीसने से ये सब अच्छे से पीस जाता है। अब यहाँ पे कढ़ाई को गर्म करने रख दिया है और इसमें हमने जो मलाई ली है वो डाल दी है। गैस की आँच को मध्यम ही रखना है और मलाई को अच्छे से उबलने देना है। गाइस, इस तरह से एक बार पेड़े बना के जरूर देखना, बहुत स्वादिष्ट बनते हैं और उतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। मलाई अब उबल चुकी है तो मिक्सी में हमने जो नारियल का बुरादा, काजू और चीनी का मिक्सचर तैयार किया है उसको यहाँ पे मलाई में ऐड कर देंगे। अब ये सारे मिश्रण को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको चलाते रहेंगे ताकि बॉटम में जले नहीं। यहाँ पे हम केसर वाला दूध ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देख सकते हैं केसर का कलर बहुत ही अच्छा आया है। वाकई में पेड़े केसरिया बनने वाले हैं। मिक्सचर को एकदम अच्छे से मिक्स करेंगे और ऐसे चमचे की मदद से कोई भी लम्स होगा तो उसको तोड़ देंगे और मिक्सचर को एकदम स्मूथ बना देंगे और इसको धीमी आंच पे ऐसे पकाएंगे थोड़ी देर। इसको पकाने में 8 से 10 मिनट लगेंगे ताकि चीनी अच्छे से पक जाए और हमारे पेड़े जल्दी ख़राब ना हो। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मैंने यहाँ पे 3 बाउल भर के नारियल का बुरादा लिया है और उसके अगेंस्ट 1 बाउल भर के चीनी ली है। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप 1 की जगह 1.5 या 2 बाउल भी ले सकते हैं। मिश्रण को पकाते हुए 8 से 10 मिनट हो चुके हैं और ये हमारा मिश्रण अच्छे से पक चुका है। तो अब हम इसको एक प्लेट में निकाल कर ठंडा करने के लिए रख देंगे। थोड़ा सा गुनगुना रहे उतना ठंडा करना है। चलिए, उतना ठंडा हो चुका है तो हम इसको अच्छे से मसल मसल के एकदम स्मूथ डो के जैसे बना लेंगे। अब हम यहाँ पे अपने मनपसंद शेप के पेड़े बना लेंगे। मैं यहाँ पे एक छोटा सा बॉल बना के उसको चपटा करके ऐसे पेड़े का शेप दे रही हूँ और उसके ऊपर केसर का धागा लगा रही हूँ। हमने दूध में जो केसर डाला था उसके धागे अभी तक इस मिश्रण में है, तो मैं वो निकाल निकाल के पेड़े पे लगा रही हूँ ताकि पेड़े पे डेकोरेशन भी हो जाए। तो आप देख सकते हैं हमारे पेड़े रेडी हो चुके हैं और इतने मटेरियल से यहाँ पे मैंने 35 पेड़े बनाए हैं। तो देखा ना आपने, ये पेड़े बनाना कितना आसान था। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।